अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल फैसल सरज एकेडमी। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी जो है सोशल मीडिया पर एक टॉपिक जो है ट्रेंड में है, जिसको हम कहते हैं यूक्रेन क्राइसिस। रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो वॉर अभी चल रही है, वॉर की सिचुएशन है, जहां पर बहुत सारा नुकसान यूक्रेन को हुआ है रशिया की तरफ से। इस रीजन को हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन क्राइसिस है क्या। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसा सवाल पैदा होता है, वो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, सोशल मीडिया पे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि वॉर रशिया और यूक्रेन के दरमियान क्यों हो रही है, इसका क्या रीजन हो सकता है। जबकि एक रशिया जो है वो वीटो पावर है, उसको मामूली से देश यूक्रेन पर कब्जा करने की क्या जरूरत पड़ी, इसका क्या रीजन हो सकता है, इस वीडियो में हम पूरी तरह जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। बात करेंगे हम 1 सितंबर 1939 की। 1 सितंबर 1939 टू 2 सितंबर 1945, इस टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ था आपको पता ही होगा। इस टाइम पीरियड के दौरान जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड का एरा था। दो पावर्स थे इसमें, एक था एक्सिस पावर्स और दूसरे थे एलाइड पावर्स। एक्सिस पावर्स की जहां तक हम बात करेंगे, जिनमें जर्मनी आता है, इटली आता है, जापान आता है, इसी तरह से एलाइड पावर जहां यूके की बात करेंगे हम, यूएसए की बात करेंगे, इसमें फ्रांस आता है, ये सारे मेंबर्स थे। इन दोनों के दरमियान, जो इन दो एक्सिस और एलाइड पावर्स के दरमियान झगड़ा हुआ था, जिसको हम वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर सेकंड कहते हैं। तो करीबन 70 मिलियन पीपल जो है इस वर्ल्ड वॉर का शिकार हो गए, इस वर्ल्ड वॉर की वजह से मर गए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 में दो एटॉमिक बॉम्ब्स को गिराया है जापान की दो सिटीज पर, हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा एंड नागासाकी पर उन्होंने अटैक किया है, इसी के साथ जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है खत्म होते हैं, इसका एरा जो है कंप्लीटली खत्म होता है और उसके बाद एक नई सिचुएशन क्रिएट होती है वर्ल्ड में 1945 से लेकर 1991 तक। इस सिचुएशन को हम कहते हैं, दूसरे अल्फाज में पोलिटिकली हम इसको कहते हैं कोल्ड वॉर कहते हैं। ये जो सिचुएशन है 1945 टू 1991, इसको हम कहते हैं कोल्ड वॉर। इस कोल्ड वॉर में क्या हुआ था, 1945 में ऑल द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स, वन वॉज यूएस ब्लॉक एंड अनदर वॉज यूएसएसआर ब्लॉक, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये दोनों ब्लॉक्स थे। अब हम बात करते हैं इन दोनों ब्लॉक्स के दरमियान इन्होंने सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए अलायंसेस बनाई है, मिलिट्री अलायंसेस बनाई है। दुनिया में कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने रशिया को चुना है, कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने कैपिटलिस्ट ब्लॉक यूएसए को चुना है। तो यहां पर हमें समझने की कोशिश ये करनी है कि 4 अप्रैल 1949 की बात है, जब यूएसए ने एक अलायंस बनाई है, उस अलायंस का नाम है नेटो। नेटो का क्या मकसद था, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 4 अप्रैल 1949 में जो है इस अलायंस को बनाया गया था। इसमें 30 मेंबर्स है प्रेजेंटली, उनका एक ही मकसद है, उनका एक प्रिंसिपल है। आफ्टर 1945 बहुत सारी कंट्रीज ने जो है कैपिटलिस्ट ब्लॉक था यूएसए का एंड सोशलिस्ट ब्लॉक था किन का, सोशलिस्ट एक आइडियोलॉजी थी, किन की आइडियोलॉजी थी, रशिया की, और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी यूएसए की। उन्होंने एक ब्लॉक बनाया, उन्होंने एक अलायंस बनाई जिसमें 30 मेंबर्स प्रेजेंटली, अगर हम देखेंगे 30 मेंबर्स हैं, उन 30 मेंबर्स का एक प्रिंसिपल है, अटैक ऑन वन स्टेट शुड बी डिक्लेयर्ड अटैक ऑन ऑल स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूएसएसआर ने कोई भी अटैक किया इन 30 स्टेट्स में, इन 30 स्टेट्स में बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, जर्मनी आता है, यूके आता है, बेल्जियम आता है, तो ये इन 30 मेंबर्स में आते हैं। इसमें 30 मेंबर्स हैं, कुछ मेंबर्स का मैंने नाम भी लिया है, आप साइड में स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो इनका एक ही प्रिंसिपल था, मैंने आपको बताया अटैक ऑन वन स्टेट शुड बी डिक्लेयर्ड अटैक ऑन ऑल स्टेट्स। इसी तरह से इसके अगेंस्ट में 14th ऑफ मई 1955 की बात है, 14th ऑफ मई 1955 की बात है, जब वॉरसा पैक्ट बनाया गया था इसी अलायंस के अगेंस्ट में। ये वॉरसा पैक्ट यूएसएसआर ने बनाया था, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, वहां पर जितनी भी स्टेट्स थे उन्होंने ज्वाइन किया है वॉरसा पैक्ट मिलिट्री अलायंस में। ये एक कंट्री की नहीं होती, ये केवल रशिया की नहीं थी, ये केवल यूएसएसआर की नहीं थी, बल्कि इसमें कुछ देश, जैसे इसमें 30 मेंबर्स आए, इसमें भी कुछ मेंबर्स आए जिनको यही प्रिंसिपल उन्होंने भी फॉलो किया है, अटैक ऑन वन स्टेट शुड बी डिक्लेयर्ड अटैक ऑन ऑल स्टेट्स। ये क्यों करना पड़ा इनको, ताकि बैलेंसड रहे, पावर में बैलेंस रहे। ऐसा नहीं है कि नेटो कभी अगर मिलिट्री एक्शन ले यूएसएसआर पर तो आसानी से वो कुछ भी कर सकता है। इसी के अगेंस्ट में इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने भी एक अलायंस बनाई 14th ऑफ मई 1955, जिसको हम वॉरसा पैक्ट कहते हैं। अब यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि यूक्रेन क्राइसिस है क्या। यूक्रेन जो है ये एक पड़ोसी मुल्क है रशिया का, जो फिर मैंने रशिया क्या है, यूएसएसआर 1991 में डिसइंटीग्रेट हुआ है, फिर उसके बाद जो है रशिया उसका परमानेंट मेंबर रहा है। तो रशिया जो है यूएसएसआर का फिर मेन पार्ट था, तो फिर रशिया जो है कंट्री बनी है।
तो ये नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है वो अमेरिका के साथ ज्वाइन करे, यूक्रेन चाहता है कि हम नेटो का मेंबर बने। नेटो, मैंने आपको इसलिए ये तवारी की थोड़ा बहुत आपको समझाना चाहा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो यूक्रेन है, यूक्रेन चाहता है कि हम मेंबर बने किसका, नेटो का। हम जो नेटो की जो एडवांटेजेस हैं वो हम लें, लेकिन रशिया इससे जो है मुतासर नहीं है। रशिया चाहता है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, अगर इन्होंने नेटो के साथ ज्वाइन किया तो नेटो में जो अमेरिका है मेन किरदार जो है अमेरिका का, वो नेटो में वो कोई भी मिलिट्री एक्शन जो है यूक्रेन में ले सकता है। अगर वो यूक्रेन में कोई भी मिलिट्री एक्शन ले सकता है, उससे हमें फ्यूचर में नुकसान हो सकता है। ये रशिया का मेन मकसद है यूक्रेन पर जो है आज पर वॉर डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि सर, यूक्रेन जो है वो चाहता है, वो वॉलंटियरली चाहता है कि हम ज्वाइन करें नेटो के साथ। अब नेटो अगर उसको बोलता है कि जी हाँ आप आ जाओ हमारे साथ ज्वाइन करो, फिर अगर अभी बारी पड़ चुका है रशिया उन पर, तो नेटो उनको सपोर्ट क्यों नहीं करता है? मैंने आपको पहले ही कहा, अटैक ऑन वन स्टेट शुड बी डिक्लेयर्ड अटैक ऑन ऑल स्टेट्स। यूक्रेन अभी मेंबर नहीं है नेटो का, वो बनने जा रहा है, बट अगर नेटो के मेंबर्स ने मिलकर रशिया पर अटैक किया तो इससे क्या हो सकता है? कॉमन बात, इसे वर्ल्ड वार हो सकती है, क्योंकि अगर मिलकर उन्होंने रशिया पर अटैक किया तो रशिया के जो वॉरसा पैक्ट के मेंबर्स हैं वो भी नेटो के मेंबर्स पर अटैक करेगा, जिससे पूरी दुनिया जो है इस लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाएगी। इसलिए जो है दूर दूर से ही छुप छुप के मदद करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूक्रेन को। बट रिसेंटली आपने सुना होगा जो उन्होंने ट्वीट किया है, ये जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है उसका नाम, तो उन्होंने बोला है कि हमें रशिया को कैसे सबक सिखाना है हम जानते हैं, हमें नेटो की जरूरत नहीं है, वो खुद फेस करेंगे, वो हमारा घर है, ये मेरा दूसरा घर है, हमें पता है हमें फेस कैसे करना है रशिया को। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रीजन क्या है। रीजन सिंपली मैं आपको ये बताऊंगा कि रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बने, क्योंकि अगर नेटो का मेंबर बने तो नेटो का जो मेन किरदार है अमेरिका, वो कोई भी एक्शन यूक्रेन के बॉर्डर पे आकर ले सकता है। मतलब ऐसे क्या है कि रशिया को ये लग रहा है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, अगर यूक्रेन ने ज्वाइन किया नेटो का तो अमेरिका जो है वो हमारी खिड़की तक पहुंचा है, वो ऐसा नहीं होने देते हैं। यही रीजन है कि रशिया ने बमबारी की है, रशिया ने वॉर डिक्लेयर किया है यूक्रेन पर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।